में तैयारी शुरू हो चुकी है ममता बनर्जी का आपसे कुछ देर बाद अभिभाषण शुरू होगा। और ये देखिए, ये पार्टी का कार्यालय है, यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। खुद टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष नीरज राय हैं, टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु रॉय जी हैं, खुद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या तैयारी है सर, किस तरह की तैयारी आज है आपकी? तैयारी तो हमारे नीरज जी और दूसरे कार्यकर्ता जो है हमारे यूपी में, ये लोग सारे तैयारी कर चुके हैं। और जितना मुझे पता चला कि अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे शहीद तर्पण किया जाएगा, मतलब जो लोग 1993 में 13 हमारा कार्यकर्ता को गोली से हत्या कर दी गई थी बम मोर्चा की समय पर, तो उन लोगों की यादगार में हम लोग यहाँ तर्पण करेंगे, उनको श्रद्धा निवेदन करेंगे। पहला कर्म सूची तो यही है। दूसरी है कि 2 बजे दीदी हमारे कार्यकर्ता को, आम जनता को भी संबोधित करेंगे वर्चुअली, तो उस भाषण को सुनने के लिए धीरे धीरे हमारे कार्यकर्ता लोग ये कार्यालय में आ चुके हैं, और भी आएंगे कुछ लोग, लेकिन क्योंकि कोरोना विधि लागू है इसलिए बाहर कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ हम नहीं कर सकते हैं। और प्रशासन से जो अनुमति मिला है हम लोगों का, उससे भी बताया गया कि कोविड विधि को मानने पड़ेगा, हमारा पार्टी का भी ऐसा ही निर्देश है। तो हम लोग यहाँ पे पार्टी हेडक्वार्टर में हम लोग यहाँ भाषण सुनेंगे, जो वर्चुअल भाषण होगा। उसके बाद शाम को एक कैंडल लाइट प्रोसेशन भी है, वो चौराहे पे होगा शायद 10 नंबर चौराहे पर, तो वहाँ वो प्रोग्राम होने का बाद आज का। सर, ये शहीद दिवस है या 2022 विधानसभा की तैयारी को लेकर इस तरह कार्यक्रम किए जा रहे हैं? नहीं, इसमें चुनाव के साथ कोई संबंध नहीं है, ये एक बिल्कुल हमारे जो हर साल प्रोग्राम होता है, लेकिन इस बार जो दीदी का जो वर्चुअल मीटिंग होगा, भाषण होगा, इसका कुछ महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बंगाल में जबकि मोदी सरकार ने उनके बीजेपी का हर कार्यकर्ता, बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री लोग वहाँ जाके एकदम बैठ गए थे, और अमित शाह ने ऐलान किया था कि हम बंगाल को दखल लेंगे, 200 से ज़्यादा हमको सीट मिलेगा, इसके लिए पूरा ताकत लगा दिया और लाखों करोड़ों पैसा खर्च किया, गुंडागर्दी भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल की जनता जिस तरह मोदी का जन विरोधी नीति के खिलाफ अपना राय दे दिया, तो अभी भी उनको राय मानने के लिए लोग तैयार नहीं है, इसलिए संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनको दुरुपयोग किया जा रहा है। और बंगाल में अभी भी तैनात पैदा करने के लिए जितना हो सके केंद्रीय सरकार की ओर से वो कोशिश चला रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। लोकतंत्र में जनता का राय को सबको मानने पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। सर, इस शहीद दिवस के बारे में थोड़ा संक्षेप बताइए, क्या है और क्यों मनाते हैं शहीद दिवस? 1993 में हमारे नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने ये मांग किए थे यूथ कांग्रेस की ओर से कि चुनाव में आईडी कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, परिचय पत्र होना चाहिए। उस समय परिचय पत्र नहीं था, और परिचय पत्र नहीं होने के कारण वहाँ जो बाम मोर्चा था वो लोग रिगिंग करता था, चुनाव में रिगिंग करता था। तो अगर आई कार्ड होता है सबका तो रिगिंग बंद हो सकता है। तो हिंदुस्तान में पहली आवाज़ बुलंद की थी ममता जी ने, उसी का कारण उस दिन 21 जुलाई 1993 में कलकत्ता की जो हार्ट है, डालहौसी एरिया, चौड़ोंगी एरिया, यहाँ पे लाखों की संख्या में हमारे युवा कार्यकर्ता ने वहाँ आया था इसी मांग को लेकर कि वो प्रदर्शन किया। उस समय पुलिस ने गोली चलाया और हमारा 13 कार्यकर्ता का मौत हो चुका, तो उन लोगों का जो खून बहा, इसलिए हमारा पार्टी भी मजबूत हुआ, तो हम उनको कभी भी भूल नहीं सकते हैं। उसके बाद भी हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता को खून किया गया, CPM गुंडों ने किया, अभी BJP गुंडों ने भी किया, हमारे एक MLA को भी खून कर दिया। तो ये जो लोग खून हुआ है, जितने शहीद हुए हैं उनके यादगार, और इसके साथ जो किसान लोग